Hello students, I am Sunil Basain and today I am going to narrate you Alice in Wonderland. One day, Alice was lying under a tree. एक दिन Alice नाम की जो बच्ची थी वो एक पेड़ के नीचे लेटी हुई थी, listening to her sister reading a story. अपनी बहन की आवाज़ को सुन रही थी जो कि एक कहानी को पढ़ रही थी. Suddenly, she saw a white rabbit scamper by. Scamper यानि बहुत तेज गति से दौड़ना, तो तेज़ी से दौड़ना या जाना. तो एक तभी अचानक उसने एक सफ़ेद खरगोश को देखा जो तेज़ी से वहाँ से गुजर रहा था. He had pink eyes and was wearing a blue coat. उसकी आँखें गुलाबी थी और उसने एक नीला कोट पहना हुआ था. He took out a big watch from his waistcoat pocket. और उसने क्या किया, एक बड़ी सी घड़ी अपने वेस्टकोट से निकाल कर हाथों में, है ना, फ्रॉम हिज वेस्टकोट पॉकेट, है ना, हाथों में ली. एंड एज ही हरी डबे, और जैसे जैसे वो जल्दी गया, ही सैड ओ डियर आई विल बी टू लेट. और जाते जाते उसने क्या कहा, अरे मैं बहुत देर हो जाएगी मुझे. शी थॉट देर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्राम अबाउट दिस रैबिट. तो एलिस ने देखा और उसे लगा भी, उसने सोचा कि इस खरगोश में बाकी खरगोशों से कुछ ना कुछ अलग तो है. इट कुड टॉक, ये बात कर सकता था. इट वोर अ रेड वेस्ट कोट एंड इट कैरीड अ वॉच, और उसने एक लाल रंग की वेस्ट कोट पहनी हुई है और एक घड़ी भी वो साथ में लेकर जाता है. एलिस वंडर्ड, एलिस को आश्चर्य हुआ. अ टॉकिंग रैबिट, बात करने वाला खरगोश. अ रैबिट हु वेयर्स अ वेस्ट कोट, एक ऐसा खरगोश जो वेस्ट कोट पहनता है. एलिस वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी, एलिस तो जो है वो क्यूरियोसिटी या उत्सुकता से जल रही थी. शी फॉलोड द वाइट रैबिट, शी फॉलोड द वाइट रैबिट, और उसने उस सफ़ेद रैबिट के पीछे पीछे जाने लगी. वह सफ़ेद सफ़ेद उस वाइट रैबिट के पीछे पीछे जाने लगी. द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट. द रैबिट स्टार्टेड रनिंग, खरगोश ने दौड़ना शुरू कर दिया. एंड एलिस फॉलोड द रैबिट, और एलिस भी रैबिट के पीछे पीछे जाने लगी. द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन अ लार्ज रैबिट होल. पॉप, पॉप का मतलब पट की आवाज़. डाउन अ लार्ज रैबिट होल, एक बहुत बड़े से खरगोश के होल में जाकर कूद कर पट से चला गया, कहीं चला गया. रैबिट जो है, रैबिट के पीछे पीछे एलिस जा रही थी और वो खरगोश जाकर कहीं किसी होल में जाकर घुस गया. तो यहाँ तक की स्टोरी आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, अभी फिर से एक्सप्लेन करेंगे. एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल टू, और एलिस भी उस होल में, रैबिट होल में कूद गई देखने के लिए. द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन, रैबिट तो बहुत नीचे गया. एंड डाउन इनटू द रैबिट होल, और भी अंदर, बहुत अंदर चला गया रैबिट होल में. एलिस सेड अलाउड, एलिस बहुत ज़ोर से बोली. वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ. हाउ मेनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन, मैं कितने मील नीचे गिर चुकी हूँ. I must be getting somewhere near the center of the earth. मैं ज़रूर कहीं अर्थ के सेंटर, पृथ्वी के सेंटर तक पहुँच रही हूँ शायद, ठीक है. देखेंगे यहाँ पर किस तरह, है ना, घड़ी देखते हुए रैबिट आगे जा रहा था और एलिस उसके पीछे पीछे जा रही थी. जाकर रैबिट होल में घुस गया और एलिस भी उसके साथ कूद गई. रैबिट लगातार अंदर जाता जा रहा था और एलिस भी उसके साथ साथ नीचे जाते जा रही थी. और उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे, क्या लग रहा था, बहुत ज़ोर से उसने कहा, जो लग रहा था उसने कहा. वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ. हाउ मेनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन, कितने मील नीचे गिर गई हूँ मैं. आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, मैं ज़रूर पृथ्वी के सेंटर तक के पहुँच रही होंगी शायद. शी वंडर्ड, उसे आश्चर्य हुआ. विल आई स्लीप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, क्या मैं पृथ्वी में दूसरी तरफ स्लीप होकर चले जाऊंगी. थम्प, तभी कुछ धम की आवाज़ आई. एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, और एलिस जो है सूखी पत्तियों के ढेर पर जाके गिर पड़ी. शी लुक्ड अराउंड, उसने आसपास देखा. क्विकली एंड सडनली सॉ द वाइट रैबिट अगेन, है ना, तभी उसने देखा बहुत तेज़ी से जाते हुए अचानक
उस सफ़ेद रैबिट को फिर से देखा। इट डिसअपीयर्ड सेइंग, वो फिर से कहते हुए गायब हो गया। ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स, अरे मेरे कान और मेरी विस्कर्स, यानी मूंछ की बाल, ठीक है, ये जो बाल है ना मूंछ में लगी हुई, इसको विस्कर्स कहते हैं। हाउ लेट इट इज़ गेटिंग, बोला कितना देर हो गई मुझे आते हुए। एलिस स्टूड अप, एलिस खड़ी हो गई। एंड सॉ अ स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई, और तभी उसने एक 15 इंच ऊंचा एक छोटा सा दरवाज़ा देखा। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू, और वो इतना छोटा था कि वह उससे आर पार नहीं जा सकती थी। सी सॉ अ ग्लास टेबल विथ अ गोल्डन की ऑन इट, तभी उसे एक कांच का ग्लास दिखाई दिया और उस कांच के ग्लास में एक सोने की चाबी थी। शी ट्राइड द लिटल गोल्डन की इन द लॉक, तभी उसने उस चाबी को उस लॉक में, गोल्डन की को उसने लॉक में ट्राई किया। एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड, और उसको यह देखकर बड़ा खुशी हुई कि यह देखकर बहुत ही खुशी हुई कि वह चाबी जो है उसमें फिट हो गई। एलिस ओपन्ड द डोर एंड लुक्ड इनटू द लवलीस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन, एलिस ने दरवाज़ा खोला और बहुत ही खूबसूरत गार्डन में देखा। शी हैड एवर सीन, देखा उसने, देखा कि जैसे दरवाज़ा खोला उसे बहुत ही खूबसूरत गार्डन दिखाई दिया, ऐसा गार्डन जैसा उसने कभी भी आज तक नहीं देखा था। आगे बढ़ते हैं। हाउ शी लॉन्ग्ड टू बी अमंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेन्स, कितना तरस रही थी वह टू बी अमंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स, उन खूबसूरत फूलों के सेज पर जाने के लिए कितना तरस रही थी। दोज कूल फाउंटेन्स, वहाँ ठंडे ठंडे पानी के झरने थे, उन पर जाने के लिए कितना तरस रही थी। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे, पर वह अपना सर भी दरवाजे से उस तरफ पार नहीं कर सकी और कहने लगी, ओ हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, शी एक्सक्लेम्ड लाउडली, और उसने कहा कि काश मेरा जो सिर है वो छोटा हो जाता, और हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, मेरा शरीर जो है वो छोटा हो जाता और मैं इसको पार कर जाती। ठीक है, ये लिया हुआ है एलिस इन वंडरलैंड बाय लिविस कैरल, लिविस कैरल के द्वारा लिखा गया है, लिविस कैरल। तो लिविस कैरल का ये बहुत ही अच्छा एलिस इन वंडरलैंड है और ये काफ़ी बड़ा स्टोरी है। हियर वी हैव सम पार्ट, ओनली कुछ हिस्सा है, न्यू वर्ड्स आपको नोट करने हैं कॉपी में और आगे देखते हैं। रीडिंग इज फन एक्सरसाइजेस, वाइल लिसनिंग टू द स्टोरी व्हाट डिड एलिस सी, कहानी सुनते हुए जब कहानी सुन रही थी तो एलिस ने क्या देखा। व्हाट वॉज डिफरेंट अबाउट द रैबिट दैट एलिस सा, रैबिट के बारे में क्या अलग था कि वो उसने एलिस ने जिस हिसाब से देखा तो उसे इस खरगोश में बाकी खरगोश से क्या अलग लगा। वेयर डिड द रैबिट गो, रैबिट यानी खरगोश कहाँ गया। हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड, एलिस वंडरलैंड कैसे पहुँची। व्हाट स्ट्रेंज थिंग्स डिड एलिस सी, क्या अजीब चीज़ें एलिस ने देखा। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द गार्डन दैट एलिस सा, अपने खुद के शब्दों में बताइए कि एलिस ने जो गार्डन देखा उसको अपने खुद के शब्दों में बताइए वो कैसा था। ड्रॉ द गार्डन ऑफ योर ड्रीम्स, अपना ड्रीम गार्डन इस जगह पर ड्रॉ करनी है। ठीक है, आपको जैसे ड्रॉ करना है करिए, है ना, दैट इज़ अप टू यू, दैट इज़ अप टू यू कि आपको कैसे ड्रॉ करना है, तो आप ड्रॉ करिए बढ़िया ज़ोरदार तरीके से इससे। ठीक है, जैसा भी ड्रॉ करेंगे बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं, टिक द करेक्ट आंसर, अब करेक्ट आंसर्स में हम देखेंगे। द रैबिट हैड पिंक आइज, यस। हु वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी, एलिस, एलिस। हु फेल डाउन एंड डाउन, एलिस। हु सेड ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स, हाउ लेट इट इज गेटिंग, रैबिट ने कहा था। द गार्डन एलिस सा वॉज लवली, लवली गार्डन था। लेट्स टॉक एक्सरसाइजेस, डिस्क्राइब सम ऑफ द साउंड्स यू हियर एट नाइट, कुछ साउंड्स जो आप रात में सुनते हैं वो डिस्क्राइब कीजिए। इमेजिन यू आर एलिस एंड योर पार्टनर इज रैबिट, इमेजिन करिए कि आप एलिस हैं
और रैबिट आपका पार्टनर है, व्हाट वुड यू डू? तब आप क्या करेंगे? व्हाट डू यू थिंक एलिस सा इन द गार्डन? आपको क्या लगता है गार्डन में एलिस ने क्या देखा? हाउ कुड एलिस हैव गॉट इन टू द गार्डन? एलिस गार्डन में कैसे जा सकती थी? ओके, आपको सोचना है और लिखना है बातें करके. लेट्स राइट एक्सरसाइजेस टू वॉक फर्स्ट. हरी, हमें पूरा करना था, हमने यहाँ किया हुआ है. एच से तेज चलने के लिए है हरी, खुश के लिए है डिलाइट, एडवांस तुरंत के लिए है क्विकली, मूव फास्ट के लिए है कैंपर, थिंक सोचने के लिए है वंडर, टू बी सीन नोवेयर डिसअपियर्ड, कहीं नहीं दिखाई देना डिसअपियर, टू बी इनक्विजिटिव यानी लगातार प्रश्न पूछने वाला क्यूरियस, गिव अनदर वर्ड फॉर द वंस गिवन बिलो विथ सिमिलर मीनिंग एंड मेक सेंटेंसेस. नाउ राइट द अपोजिट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एंड दैट मेक सेंटेंसेस विद देम. लवली, इनका अपोजिट देखना है. लवली का अपोजिट है टेरिबल, उसको सेंटेंस में यूज़ करना है. तो इसी तरह हमने सेंटेंस में यूज़ किया हुआ है लवली प्यारा, टेरिबल भयानक, टॉकेटिव टॉकिंग बातचीत करने वाला, साइलेंस शांत मौन, लिसनिंग सुनना, टॉक यानी बातचीत करना, सी यानी देखना, टू बी ब्लाइंड नहीं देखना, सेंटर केंद्र, आउटसाइड बाहर का भाग. थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका आंसर्स दिए हुए हैं, आपको लिखना है. एक मॉडल आंसर दिया हुआ है, इसके लिए एक मॉडल आंसर दिया हुआ है और इस मॉडल आंसर को मॉडल आंसर को आपको देखकर फिर करना है. ठीक है, अपने मन से करना है. एलिस फॉलोज द स्ट्रेंज रैबिट बिकॉज शी वॉन्ट्स टू नो अ नंबर ऑफ थिंग्स. रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक द क्वेश्चन दैट एलिस हैज़ इन हर माइंड एंड पुट अ क्वेश्चन मार्क. इसको रीअरेंज करके क्वेश्चन को बनाकर लिखना है. टॉक रैबिट हाउ कैन तो इसको हमने रीअरेंज करके सेंटेंसेस बनाए. हाउ कैन अ रैबिट टॉक? वेयर इज ही गोइंग? कैन ही रीड द टाइम? Why is he in a hurry? Okay, so with this you have to do all such exercises in the book. Is tarah ki exercises ko book mein karni hai, baki fair English fair copy mein karni hai. Thank you, have a nice time to love you.